कर दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिली गेयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस, कंपनी का स्टॉक 164 पर ट्रेड कर रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 2.92% की यहाँ पर गिरावट इसमें देखने को मिली। पिछले एक महीने की अगर बात करें तो 13.04, पिछले एक साल की अगर बात करें तो 54.62 और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर बात करें तो कंपनी में 67.80% की गिरावट देखने को मिली है। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से कंपनी आने वाले समय में मल्टीपल का रिटर्न दे सकती है और उसी के साथ साथ कंपनी की जो Q4 है उसके अर्निंग्स के नंबर्स भी आ गए हैं, उसके साथ नंबर्स की भी बात करेंगे। फर्स्टली अगर कंपनी के फंडामेंटल को देखें, कंपनी का मार्केट कैप 5384 करोड़ का है, अर्निंग पर शेयर 0, TTM PE यहाँ पर लोअर PE यानी काफ़ी कम आपको देखने को मिल रहा है, सेक्टर PE 29.95, PB 4.71, बुक वैल्यू 35 रुपीज़, डिविडेंड यहाँ पर कोई पे आउट नहीं होता है और पेस वैल्यू 10 रुपये। उसी के साथ अगर रिजल्ट को देख, कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2018 के बाद 2019 में आपको हल्की सी रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली अपवर्ड मूवमेंट आपको इसमें देखने को मिला है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर बात करें 2018 के बाद कंपनी ने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया था। 20 और 21 के अंदर कंपनी ने अपना जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में था, लेकिन उसको काफ़ी कम किया था, लेकिन 2022 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है और इसी का इम्पैक्ट आपको कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है उस पर भी देखने को मिल रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय में यहाँ पर अच्छी खासी मूवमेंट इसमें देखने को मिली है, उसके पीछे के जो रीज़न है वो अगर अपन क्वार्टर रिजल्ट को मान सकते, क्योंकि कंपनी ने पिछले जो 3 क्वार्टर रिजल्ट दिए हैं वहाँ पर एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिली है और कोई खास बड़ी गिरावट आपको उसमें देखने को नहीं मिली थी जून, सितंबर और दिसंबर क्वार्टर के अंदर। जैसे कि अपन देखें तो 300 करोड़ के आसपास यहाँ पर कंपनी को गिरावट यानी पिछले साल की तुलना में काफ़ी अच्छे यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहे थे। उसी के साथ अगर अपन बात करें Q4 के रिजल्ट, तो Q3 की तुलना में अगर कंपेयर करें तो Q3 के अंदर जो कंपनी की टोटल इनकम थी वो 1168 करोड़ थी, वो बढ़कर 1460 करोड़ 24% जम, नेट प्रॉफिट -117 करोड़ से 3481 करोड़ 3075% का जम, अर्निंग पर शेयर -3.68 से बढ़कर 105 रुपीज़ आपको देखने को मिल रहा है, 2970% का यहाँ भी आपको तेज़ी देखने को मिली है। अगर पिछले साल के Q4 की अगर बात की जाए तो पिछले साल के Q4 के अंदर 955 करोड़ की कंपनी की जो टोटल इनकम थी वो बढ़कर 1460 52% का जम, नेट प्रॉफिट -612 से वो प्लस के अंदर 3481 638% का जम, अर्निंग पर शेयर -19.22 से बढ़कर 105.91 देखने को मिल रहा है, 651% का यहाँ भी आपको तेज़ी देखने को मिली है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 को कंपेयर करें तो 2022 के अंदर 3372 करोड़ की टोटल इनकम की थी वो 4863 44% का जम, नेट प्रॉफिट -1543 से बढ़कर 3081 आपको देखने को मिल रहा है, 300% की वृद्धि, अर्निंग पर शेयर -51.33 से बढ़कर 94.67 284% की वृद्धि यहाँ भी आपको देखने को मिली। यानी कंपनी ने जो Q4 है उसमें अच्छा काफ़ी शानदार परफॉर्म किया है, जिसके कारण कंपनी के रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली है और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको अपवर्ड मूवमेंट इस स्टॉक की जो प्राइस है उसमें देखने को मिल सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पर FIH की जो होल्डिंग है वो मार्च 2023 के अंदर हल्की सी कम होती हुई आपको नजर आई है, पिछले क्वार्टर के अंदर 18.79 की होल्डिंग थी वो अभी अब प्रेजेंटली आपको 18.3 की देखने को मिल रही है। DIH की अगर बात करें तो DIH की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, दिसंबर 2022 के अंदर 7.27 की होल्डिंग थी वो 7.54 देखने को मिल रही है। पब्लिक की अगर बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर लास्ट क्वार्टर के अंदर 73.93 थी वो बढ़कर 74.15 यानी पब्लिक की होल्डिंग हल्की सी आपको बढ़ती हुई नजर आई है। मार्च 2018 के अंदर कंपनी के पास टोटल रिजर्व 1658 करोड़ का था, वो पहले तो आपको 2019 में कम होता हुआ नजर आया, उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी और मार्च 2022 तक वो रिजर्व 1305 करोड़ नेगेटिव में आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कंपनी को 2023 है उसके जो रिजर्व है उसका अपडेट नहीं दिया है। अगर आप इसी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल जरूर समझें, उसके पश्चात अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सहायता से या सलाह से उसमें निवेश करें। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप